सुप्रभात बच्चों, आप सभी बच्चों का विद्या निकेतन में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, चलिए आज हम फिर से एक पत्र लेखन को अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इस पत्र का जो आज का शीर्षक है वो है छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो पत्र का जो प्रारूप होता है वो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में काफ़ी सारे जो हमने पत्र लिखे हैं उनमें समझाया है। तो पत्र प्रारूप तो आपको पता ही होगा, तो इस तरह से आप अपने पत्र के प्रारूप स्टार्टिंग जो है, आरंभ जो है, पत्र को कैसे करना है ये आपको आता होगा, ये आप स्वयं करें। और सबसे पहले तो हम लिखते हैं आवेदन पत्र में या कोई भी पत्र जो हम औपचारिक तौर पे लिखते हैं उनमें हमें सब्जेक्ट लिखना जरूरी है, यानी कि विषय लिखना जरूरी होता है। तो छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र है ये हमारा। तो सबसे पहले हम जैसा कि अपने जो पत्र होता है औपचारिक पत्र उसमें जो हम लिखते हैं वो सबसे पहले हम लिखते हैं, महोदय सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 7वीं या 8वीं या 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ या छात्र हूँ। कल प्रार्थना सभा में आपके द्वारा यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? स्कॉलरशिप, जो बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में या और भी अदर एक्टिविटीज़ में जो बहुत अच्छे होते हैं, स्कूल उन्हें कुछ पैसे देती हैं सहायता स्वरूप। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो अपनी छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखता है। तो यहाँ पर हमें ये भी बताना होगा, उनको बताना होगा कि आप अपनी कक्षा में क्या क्या, अपने विद्यालय में क्या क्या एक्टिविटीज़ है जिनमें आप आगे हो, और उसके आधार पर आपको छात्रवृत्ति दी जाए, ये आपको प्रार्थना करना है अपने प्रधानाचार्य से। महोदय, मैंने 6ठी कक्षा में 85% अंक प्राप्त किए थे तथा अंतरविद्यालयी कविता वाचन प्रतियोगिता में भी मैंने प्रथम पुरस्कार जीता था। इसके अतिरिक्त विद्यालय में समय समय पर होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों में भी मैं अवश्य हिस्सा लेती हूँ। यही नहीं, मैं विद्यालय की बास्केटबॉल टीम की कप्तान भी रही हूँ तथा जिला स्तर तक खेलकर विद्यालय का नाम रोशन कर चुकी हूँ। विनम्र निवेदन आपसे ये है कि मैं छात्रवृत्ति के लिए सभी शर्तों को पूरा करती हूँ या करता हूँ, और आपको विश्वास दिलाती हूँ या दिलाता हूँ कि मैं आपको इससे भी अधिक बेहतर बनकर दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। आशा है कि आप मुझे छात्रवृत्ति की सुविधा अवश्य प्रदान करेंगे और हमें अनुग्रहित या मुझे अनुग्रहित करेंगे। मैं जीवन भर आपका आभार मानूंगी। और सबसे आखिरी में हम लिखते हैं, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या या शिष्य लिखेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे और अपनी कक्षा लिखेंगे। और इस तरह से हम अपने इस आवेदन पत्र को यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो बहुत ही सरल है ये और बहुत ही संक्षिप्त भी, ज़्यादा नहीं लिखना है। बस आप जो पत्र लिखते हैं उसमें जो उसका फॉर्मेट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, बॉडी तो आप लिख ही लेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम अगले पत्र में फिर से बहुत जल्द। थैंक यू, अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें।